हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी से मैं काफ़ी दिनों से कह रहा था कि एसएससी सीजन 2023 में वैकेंसी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, और मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप सभी को काउंट करके भी वैकेंसी को बताया था कि किस समय कितनी कितनी वैकेंसी हो चुकी हैं। तो आज एसएससी ने एक नोटिस भी जारी कर दिया है ऑफिशियल वैकेंसी का, टेंटेटिव जो भी है, कि अभी तक कितनी वैकेंसी रिपोर्ट की गई हैं। तो चलिए देखते हैं नोटिस में किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी अभी तक हो चुकी हैं, कितने इंक्रीमेंट देखने को मिले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बनाने में लेट हो गया है 10 मिनट, तो चलिए देखते हैं। फिर भी देखिए, अभी तक आप सभी देख सकते हैं जो नोटिस आप सभी के सामने मैं ओपन किया हूँ, स्टेट वाइज और जोन वाइज वैकेंसी आर नॉट कलेक्टेड बाई एसएससी, प्लीज़ कॉन्टैक्ट यूजर डिपार्टमेंट फॉर द स्टेट वाइज और जोन वाइज वैकेंसी ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, टेंटेटिव वैकेंसी फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 एज ऑन 18/8/2023, यानी कि ये जो अभी तक ये टेंटेटिव वैकेंसी है ये 18/8/2023 तक की है। जैसा कि काफ़ी दिनों से काफ़ी आरटीआई वगैरह लगाई जा रही थी कि अभी तक कितनी वैकेंसी है, तो उसी के रिगार्डिंग एसएससी का एक अच्छा काम है कि अभी तक उन्होंने बता दिया कि कितनी वैकेंसी अभी तक हो चुकी हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं जो पोस्ट कोड है A01, जिसमें इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो कैग की वैकेंसी है उसमें देखिए टोटल वैकेंसी है 225। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं A02 जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 28 वैकेंसी है। फिर इसके बाद जो अभी कुछ दिन पहले मैं बताया था कि सेंटर सीक्रेट सर्विस में यानी कि DOPT में 692 वैकेंसी, जहाँ पे पहले 444 वैकेंसी थी, ठीक है, वो बढ़ के हो चुकी थी। फिर इसके बाद IB में आपकी 37 वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 24 वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, क्रेड सेल में जिसमें 91 वैकेंसी है, B07 में 35 वैकेंसी है, B08 में यानी कि इलेक्शन कमीशन में 4 वैकेंसी है, ठीक है, B09 जिसकी काफ़ी लोगों को तलाश होती है, एक वैकेंसी है वहाँ पे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3 वैकेंसी है। तो ऐसे ऐसे आप करके सारी वैकेंसी को देख सकते हैं। और अगर सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर अभी तक मैं बात करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे 2389 पोस्ट है, जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम CBIC डिपार्टमेंट, ठीक है, यहाँ पे आप कितने वैकेंसी देखते हैं, 2389 वैकेंसी है। उसके बाद फिर इसके बाद देख सकते हैं 276 वैकेंसी B017 में है, और B018 में 80 वैकेंसी है, और इसी तरह धीरे धीरे सारी वैकेंसी आप सभी देख सकते हैं। ये जो PDF है मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड करके, और आप सभी डिटेल से देख सकते हैं कि किस पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसी अभी तक हो चुकी हैं। अभी आप ये देख सकते हैं B032 जो है आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज कस्टम CBIC डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, ठीक है, इसमें 570 वैकेंसी थी, जो पहले कितनी थी 400 समथिंग थी, बढ़ के हो गई इतनी। फिर उसके बाद अभी तक देखिए कंट्रोलर जनरल एंड ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर माइंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, यानी कि 1102 पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है, और सब में 63-61 इस तरह की वैकेंसी है। बात करते हैं PSA की वैकेंसी को, लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कस्टम, जिसमें टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी है 900 वैकेंसी है, तो कुल मिला के अभी तक की जो वैकेंसी हो चुकी है 8440 वैकेंसी अभी तक हो चुकी हैं। अगर बात करें PASA की वैकेंसी का, तो इसमें अभी तक PASA की वैकेंसी कोई इंक्लूड नहीं की गई है। जैसा कि अभी तक कुछ एक RTI देखने को मिली थी, 2 RTI देखने को मिली थी PASA की, वेस्ट बंगाल की और राजस्थान की। वेस्ट बंगाल में आपकी 235 वैकेंसी थी और राजस्थान में 515 वैकेंसी थी। अभी तक PASA की कोई भी वैकेंसी यहाँ पे इंक्लूड नहीं की गई है। ये जो भी वैकेंसी है ये CGL की वैकेंसी है, और CGL की वैकेंसी में अभी तक जो एक्चुअल CGL की वैकेंसी थी उसमें 8440 वैकेंसी है। जब नोटिफिकेशन आया था वहाँ पर मेंशन किया गया था 7500 वैकेंसी, और फिर ये बढ़ के कितनी हो चुकी हैं 8440 वैकेंसी। तो अभी तक ये 18/8/2023 तक का डाटा है, उसके बाद अभी धीरे धीरे वैकेंसी बढ़ेगी। इसमें भी आप ये मत सोच लिए कि ये वैकेंसी फाइनल है, अभी वैकेंसी इंक्रीज होगी, इसमें PSA की वैकेंसी इंक्लूड होगी, और भी कुछ डिपार्टमेंट हैं जो अभी तक रिपोर्ट नहीं किए हैं उनकी वैकेंसी यहाँ पर भी इंक्लूड की जाएगी। तो जैसा कि मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि वैकेंसी आपकी हर हाल में 12,000-13,000 प्लस ही रहेगी, ठीक है, नियर अबाउट 15,000 तो रहेगी रहेगी, ठीक है। तो आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आपसे एक अपडेट करता रहूँगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये PDF मैं आप सभी को अभी टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा क्योंकि जो भी अपडेट होता है मैं वहाँ पर भी प्रोवाइड करता हूँ अगर वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ जो भी कोई अपडेट आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।